मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शनिवार दोपहर अचानक साल्ट लेक में जूनियर डॉक्टरों के धरना स्थल पर पहुंच गईं। इस दौरान सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि आपकी दीदी के तौर पर आपसे मिलने आई। इसके बाद उन्होंने डॉक्टरों को शाम को सीएम हाउस बुलाया। भारी बारिश के बीच डॉक्टर पहुंचे भी, लेकिन बात फिर भी लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर ही बिगड़ गई। कोलकाता में सीएम हाउस का सीन देखी। ममता बनर्जी दरवाजे पर खड़े होकर 20 डॉक्टर्स का इंतजार कर रही हैं। वहीं डॉक्टर्स की टीम अंदर आने को तैयार नहीं। करीब आधे घंटे तक यही चलता रहा। अफसरों की टीम डॉक्टर्स को मनाती रही, लेकिन वो टस से मस नहीं। झमाझम बारिश के बीच वो अपनी जगह से नहीं। इसके बाद सीएम ममता खुद सीएम हाउस के गेट पर पहुंच गए और माइक थाम लिया और अपनी बात बोलने लगे। ममता ने कहा, अगर बात नहीं करनी तो बारिश में मत भीगो। जब मीटिंग नहीं करनी तो लेटर क्यों लिखते हो? आंदोलन मैंने भी किया है, लेकिन उसकी मर्यादा होती है। बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते, मामला कोर्ट में। दरअसल हड़ताली डॉक्टर बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग कराने पर अड़े हुए हैं। वहीं ममता बनर्जी इसके लिए कतई तैयार नहीं। इससे पहले शनिवार सुबह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर से मुलाकात करने पहुंची थी और शाम को सीएम आवास पर बैठक के लिए बुलाया था। आपको बता दें कि ट्रेनी डॉक्टर्स ने सरकार के सामने 5 मांगे रखी हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था की जाए, मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल और स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम के इस्तीफे की मांग की। ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के बाद साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय हो। सरकार स्वास्थ्य संस्थानों में धमकी की संस्कृति को खत्म किया जाए। ममता ने डॉक्टर्स को कहा कि सभी मांगे तो नहीं मानी जा सकती, लेकिन सरकार इन सभी पर चर्चा करने को तैयार है। बहरहाल डॉक्टर्स और ममता के बीच बैठक फिर टलती नजर आ रही। ममता ने साफ कह दिया है कि चूंकि मामला कोर्ट में है, लिहाजा लाइव स्ट्रीमिंग की संभावना नहीं। अगर डॉक्टर चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से निर्देश लेकर बैठक की रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। इस तरह अब गेंद एक बार फिर डॉक्टर्स के पाले में। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।